मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान 2 साल पहले का है, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आर्थिक संकट को दूर करने के लिए नोटों पर भगवान की तस्वीर छापनी चाहिए। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। जो अभी नुस्खा बताया कि इकोनॉमी गिरती इकोनॉमी को 10,000 के नोट पे गणेश जी छाप करके उन्होंने सुधारा, ये नुस्खा क्या हमारा हिंदुस्तान भी अपनाएगा क्या? क्योंकि हम भी उसी समस्या से जूझ रहे हैं, क्या हम अगले 10,000 के नोट का इंतजार करें? अब तो ये तो नरेंद्र मोदी जवाब दे सकता है, मैं तो पक्ष में हूँ। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति छापने से किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए और इस पर फैसला पीएम नरेंद्र मोदी को लेना है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब 26 अक्टूबर 2022 को नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग उठाई तो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ये बयान याद आ गया। अब आपको सुनाते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। जब से केजरीवाल का ये बयान आया है नोटों पर सियासत गर्मा गई है। हर पार्टी का नेता अपनी अपनी दलील दे रहा है और अपने अपने दावे कर रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।